बहुत मजा है ना सब लोग उनका एक परफॉर्म देखने के लिए, है ना, बहुत मजा है। और बाबा जी बता दूं, सॉरी बीच में कर रहा हूँ, जब आपने मजा बोला है तो उनका 3 मिनट का मजा फिर आएगा। लोग यूट्यूब पे क्यों आते हैं कि उनको चाहिए पैसा, अब वो कैटेगरी चूज करता है कि ऐसा कौन सा कैटेगरी होगा भाई जहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा। अब वो पैसे के चक्कर में क्या करता पता है, जिस चीज में उसके इंटरेस्ट है या फिर उसके अंदर जो टैलेंट है उसको वो नहीं करता। जैसे कि आदर्श अंत भाई का वो टैलेंट था, वो उसी चीज को फॉलो करते आए शुरू से, यहाँ तक कि मैं बता दूँ उनके 10 वीडियो में 9 वीडियो में कॉपीराइट रहता है, क्योंकि वो सॉन्ग को काफी यूज करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। तो लेकिन वो अगर पैसे को देख करके वो चीज नहीं करते, वो ब्लॉग चैनल खोल लेते हैं, गाइस सुबह हो गया मैगी बना रहे, तो फिर वो मजा नहीं आता ना, है ना। वो अपने पैसों को फॉलो किए, अपने इंटरेस्ट को फॉलो किए। और किसको टारगेट कर रहे हो? आपको, आप ही लोग मैगी बनाते हो भाई, कभी नहीं बनाता हूँ। हेलो गाइस, ये देखिए, समझ गए हो किसको टारगेट कर रहे हैं? मुझे याद है, ये देखिए न्यूज कवर करने को, न्यू मैन एंड न्यूज बॉय। अरे चार पूछ के मुझे पता चल गया किसको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट नहीं था वो, ऐसे लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आज के डेट में उसी चीज में, क्योंकि देखो सबका फोन जिस जहाँ जहाँ चल रहा सब ब्लॉगर है ना। तो ट्राई करो भाई, कुछ ऐसा कैटेगरी में चैनल खोलो, कुछ को आप कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर सकते। लेकिन पैसा तो ब्लॉगर ही कमा रहा सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं भाई, नहीं सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मनोज जी का, कि जब हमने इस इवेंट की शुरुआत करी और जब मैंने इनसे रीच आउट करा, दिल खोल के इन्होंने इसका समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पता नहीं क्यों मैं बहुत सबसे बड़ा फील होता हूँ, चाहे सब आते हैं नमस्कार नमस्ते, भाई तो मत कीजिए करना मेरे से तो बड़ा अच्छा लगता है। ये यूट्यूब कम्युनिटी फैसिलिटी है जहाँ पे हजार में है या लाखों में है, डेढ़ लाख नहीं है। देखो भाई, तुमने गलत फिगर अपना बता, देखो मोटिवेशन होता है टेम्पररी, एक होता है डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन मेन चीज़ है ना। डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली अगर वीडियोस वगैरह अपलोड करोगे तो डेफिनेटली चलेगा। तो मोटिवेशन ये सब चीज़ें टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए बूस्ट आपको मिलेगा कि हाँ मुझे मतलब करना, बट उसके बाद फिर डिसिप्लिन ही आ जाता है, कंसिस्टेंसी ही आता है। क्योंकि यूट्यूब पर भी कंसिस्टेंसी, सिर्फ यूट्यूब नहीं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल सारे यूट्यूब पे लगे पड़े, बट नहीं इंस्टाग्राम पर भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर, ट्विटर पर तो थोड़े व्यूज कम है ना, ऐसी चीज़ें होती है। बट जैसे इन सब चीज़ों में होता है इंटरटेनमेंट कैटेगरी में बहुत व्यूज है, तो कहीं ना कहीं पैसे बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा क्रिएटर मिला, लेकिन धीरे धीरे छोटे भाई की तरह मिला, जो बोला हाँ भैया, इन्होंने भी वैसे ही जैसे योगी जी बड़े भाई की तरह इधर वाले को राइट इधर वाले को लेफ्ट, वैसे ही इधर को राइट इधर को लेफ्ट। थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल आपने पहले टिकटॉक पे आपका चैनल हुआ करता था, फिर आपने उसे यूट्यूब रिलेटेड कॉन्टेंट बनाया, बड़ी मुश्किल लगी आपको? थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए, और सीरियसली हक कर रहे हो, मन कर रहे हो। जोरदार तालियां एक बार चुंटू के टैंक के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा चैनल 7 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद बिल्कुल डेड हो गया था, जहाँ पे 7 लाख सब्सक्राइबर और सोच कर देखो 2000 या 1000 व्यूज मिल रहे थे। तो अब यहाँ पे कैसे करा, उसके पीछे लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो भाई मेरा कॉन्टेंट होता था जो टिकटॉकर्स होते थे उनको मैं बताता था कि कैसे आप वीडियो बना सकते हो, कोई भी ट्रेंड आता था तो मैं कोशिश करता था सबसे पहले बताऊँ। दिन में कभी कभी 3 वीडियो और व्यूज डाउन, कभी कभी 2 वीडियो, फिर धीरे धीरे करके एक एक वीडियो रोज अपलोड करता रहा और ऐसे जगह बनाते रहे। परफेक्ट।